Hi everyone, I am Karan Masroo. Welcome to this video. This video I am discuss a question of the day of 12 December 2022 by Newton School, that is Newton Heads balloons. Also, before moving on, make sure you register for the upcoming coding contest by Newton School for some amazing experiences and prizes. Link is given there in the description. As always, let's start by understanding the question. There are n balloons placed on a number line. न्यूटन लाइक सो ही टू बस्ट एग्जैक्टली के बलून्स ठीक है क्या बोला गया है कि टोटल एन बलून्स है किस पे नंबर लाइन पे मतलब कि कोई एक एक्सिस पे होगा ठीक है एक्स एक्सिस पे और न्यूटन को बलून्स अच्छे नहीं लगते इसलिए इसमें से एक्जेक्टली के बलूनस न्यूटन को क्या करने है बस्ट करने हैं ओके आइथ बलून इज प्लेसिनेट एक्स आई एक्स वन इज लेस एक्स टू इज लेस एक्स थ्री अब एक्स एन ठीक है क्या बोला गया है कि Ith balloon जो है वो coordinate x i पे placed है इसी तरह से हर एक n balloons का हमें coordinate दिया गया है और x1 वन इज लेस एक्स टू इज लेस एक्स up to is less than एक्स मतलब कि अगर ये मेरी एक्सिस है तो पहला बलून यहां पे है सेकंड यहां पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, so यहाँ पे है थर्ड यहां है, फोर्थ यहां पे फिफ्थ यहां पे एंड सोन एंथ यहां पे है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कोऑर्डिनेट्स है ठीक है ओके इनिशियली न्यूटन इज एट कोऑर्डिनेट जीरो इन अ सिंगल सेकेंड ही कैन मूव फ्रॉम द कोऑर्डिनेट सी टू आइदर आइनस वन और सी प्लस वन ठीक है क्या बोला गया है कि इनिशियली न्यूटन जो है वो कोऑर्डिनेट जीरो पे है और एक सेकंड में अगर मान लो वो किसी कोऑर्डिनेट सी पे है एट सम टाइम टी तो एक सेकेंड में वो या तो सी प्लस वन पे मूव हो सकता है या सी माइनस वन पे मूव हो सकता है ठीक है मतलब कि एक सेकंड में या तो एक स्टेप राइट हैंड साइड या एक स्टेप लेफ्ट हैंड साइड मूव हो सकता है न्यूटन doesn't लाइक टू वेस्ट मच ऑफ his टाइम सो फाइंड द मिनिमम टाइम needed टू k बर्स्ट k बलून्स अब ये सब कंसेंस अगर हम दिमाग में रखें टोटल एन बलून्स की कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं एक्जैक्टली के बलून्स हमें बस्ट करने हैं और स्टार्टिंग में न्यूटन जीरो पे है और किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक स्टेप राइट हैंड साइड या एक स्टेप लेफ्ट हैंड साइड जा सकता है एक सेकंड में तो मिनिमम कितना टाइम लगेगा फॉर न्यूटन टू बर्स्ट एग्जैक्टली के बलून्स वो हमें बताना है सॉरी <coughs> यहाँ पे बलून बस्ट करने का टाइम हमें नहीं दिया गया है इसका मतलब हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो नेगेलिजिबल है जैसे ही वो किसी कोऑर्डिनेट पे पहुंचेगा जहाँ पे बलून है तो वो उसे बस्ट कर देगा ठीक है इनपुट किस तरह से दिया गया है इनपुट में सबसे पहली लाइन में दो इंटीजर्स uh, है एन एन के द नंबर ऑफ बलून्स एंड नंबर ऑफ बलून्स टू बी बस्टेड एंड नेक्स्ट लाइन में एन इंटीजर्स दिए गए हैं जो कि एन बलून्स के कॉर्डिनेट्स हैं हमें मिनिमम टाइम बताना है फॉर न्यूटन टू बस्ट एग्जैक्टली की बलून्स कीपिंग ऑल दिस कंश इन माइंड आई होप क्वेश्चन क्लियर अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं सो so, अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो देखो एंड बलूनस है और वो एक्स को एक्स एक्सिस पे दिए गए हैं ये फर्स्ट बलून या सेकंड ये थर्ड अप टू एंड बलून उनके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं इसमें से एग्जैक्टली के बलून्स बस्ट करने हैं तो उसका मिनिमम टाइम कितना लगेगा वो बताना है अब बस्ट करने का टाइम नहीं दिया गया है बस्ट करने की कोई मेथड नहीं दी गई इसका मतलब बस्ट करने का टाइम हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं अगर कोई कॉर्डिनेट एक्साई है जहाँ पे बलून है और न्यूटन अगर वहाँ पे पहुँचता है तो वो नेग्लिजिबल टाइम में उसको बस्ट कर देगा नाउ कुछ और चीज अगर हम रिवाइज करें फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पार्ट तो इनिशियली न्यूटन जो है वो जीरो कोऑर्डिनेट पे है और एक सेकंड में वो या तो एक स्टेप राइट हैंड साइड मूव कर सकता है या एक स्टेप लेफ्ट हैंड साइड मूव कर सकता है ठीक है तो मिनिमम टाइम कितना लगेगा टू बस्ट एग्जैक्टली के बलून्स तो यहां पे सबसे पहला कंसेप्ट जो समझने वाली बात है वो ये है कि हम कोई भी के कंटिन्यूस बलून्स को बस्ट करेंगे ठीक है नॉट नॉन कंटिन्यूस क्यू फॉर एग्जाम्पल मान लो यहां पे के बाई टू बलून्स है ठीक है और यहां पे भी के बाई टू बलून्स है लेट्स और ये जीरो फॉर एग्जांपल तो न्यूटन जो है और यहां पे कुछ बलून्स है ठीक है बीच में जिसको बस्टम नहीं करते लेट सपोज देर आर एम बलून्स तो न्यूटन इनिशियली तो जीरो पे है अब वो एक स्टेप में राइट हैंड साइड जा सकता है ठीक है Uh, मतलब एक सेकंड में या तो एक स्टेप राइट हैंड साइड जा सकता है या एक स्टेप लेफ्ट हैंड साइड जा सकता है तो अगर उसको ये के बाई टू और ये के बाई टू, टू टोटल के बलून्स बस्ट करने हैं तो वो एक एक स्टेप राइट हैंड साइड जाएगा अप टू यहाँ तक तो इतना टाइम उसको लगेगा फिर वो इतना एक्स्ट्रा इतना टाइम लेगा जब तक के बाई टू बलून्स बस्ट हो जाएंगे फिर वो ये एम सेकेंड सॉरी यहाँ पे एम बलून्स है कॉर्डिनेट का डिफरेंस कितना है वो नहीं पता बट वो इतना टाइम और लेगा और इस टाइम में कोई बलून बस्ट नहीं होगा फिर वो वापस इतना मूव करेगा और वापस के बाई टू बलून्स बस्ट करेगा अब इससे बेटर ऑप्शन क्या हो सकता था कि यहाँ पे के बाई टू बलून्स बर्स्ट कर दिए फिर ये जो एम बलून्स है उनको भी बस्ट कर दिया और यहाँ पे के बाई टू माइनस एम बलून्स बर्स्ट कर दिए तो यहाँ पे इतना एक्स्ट्रा मूव नहीं करना पड़ता स्टार्टिंग फ्रॉम कोऑर्डिनेट जीरो उसको यहाँ तक ही मूव करना पड़ता जबकि इसमें यहाँ तक मूव करना पड़ रहा है तो इसमें कम टाइम लगेगा समझ रहे हो आप तो इसलिए हमेशा के कंटिन्यूस बलून हम चूज करेंगे तो अब हमारे पास देखो जैसे एन बलून्स है फॉर एग्जांपल एन की वैल्यू है नाइन तो ये फर्स्ट बलून ये सेकंड, ये थर्ड ये फोर्थ ये फिफ्थ ये सिक्स ये सेवेंथ ये एट और ये नाइन्थ बलून ठीक है तो लेट सपोज के की वैल्यू है फाइव तो अब हमें क्या देखना होगा एक कंटिन्यूस फाइव फाइव बलून्स के सेट को देखना पड़ेगा कि उनमें कितना टाइम लगेगा कंटिन्यूस क्यों लेना है वो समझ में आ गया हम और जितने भी कंटिन्यूस पॉसिबल है के साइज के बलून्स के सेट उनको देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उनमें कितना टाइम लगेगा और वो तो हम लीनियर टाइम में देख सकते हैं एक फोलुप की मदद से और उन सब में से जिसमें मिनिमम टाइम लगेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा एक फोलुप में हो जाएगा देखो एक तो ये हम चेक करेंगे फिर ये टू टू सिक्स चेक करेंगे थ्री टू सेवन चेक करेंगे फोर टू एट चेक करेंगे और फाइव टू नाइन ये पांच चीजें हम चेक करेंगे ठीक है इनको बस्ट करने का कितना टाइम लगेगा याद रखना ये मैंने बलून के इंडेक्स लिखे हैं ये मैंने कोऑर्डिनेट नहीं लिखे ठीक है ये फर्स्ट बलून या सेकंड बलून या थर्ड बलून एंड सो ऑन ठीक है नाउ ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें जितने भी पॉसिबल के कंटिन्यूस बलून से उनको बस्ट करना है ठीक है तो अब इसमें है ना तीन केसेस हो सकते हैं अलग अलग ठीक है एक और चीज समझो अगर मुझे के कंटिन्यूस बलून्स को बस्ट करना है तो मैं ये कोशिश करूंगा कि या तो मैं एंड लास्ट केथ बलून से फर्स्ट बलून उस सेट में जो के बलून से उनमें लास्ट बलून से फर्स्ट बलून बस्ट करूं या फर्स्ट बलून से लास्ट बलून बस्ट करूं अगर पॉसिबल है तो मतलब कि <coughs> ये नंबर लाइन है इनिशियली न्यूटन जीरो पे है मान लो ये के बलून्स बस्ट करने हैं ठीक है तो अब वो यहां से यहां तक आया ऐसा बोला नहीं गया है बट लेट सपोज कि वो जो यहां पे गया तो उसने बलून बस्ट नहीं किए उतने इतने बलून्स को बस्ट किया फिर वो वापस इस तरफ गया इतने बलून्स को बस्ट करने के लिए ऐसा नॉनसेंस सेंस वक्त तो करेंगे नहीं हम क्या करेंगे अगर ये सीरो इंडेक्स है और ये के बलूनस है तो जब भी इनको क्रॉस करेंगे तो इनको बस्ट करते जाएंगे ठीक है ताकि एक ही बार में हो जाए वापस हमें आना जाना ना पड़े लेकिन ऐसा जब पॉसिबल है तब तो अगर इसके बारे में हम सोचे तो के कंटिन्यू सेट ऑफ बलून्स के डिफरेंट डिफरेंट केस अगर हम देखें तो तीन केस हो सकते हैं पहला तो सारे के सारे के बलूनस एक्स जीरो साइड पे है तो अब हमारा एक मूव में हो जाएगा या तो सारे के सारे के बलून्स जीरो के राइट हैंड साइड में है फिर भी हमारा एक मूव में हो जाएगा या तो कुछ बलून्स जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में है या एंड कुछ राइट हैंड साइड में है उसमें हमें रिपीट करना पड़ेगा मतलब कि उसमें हमें आधा पात दो बार मूव करना पड़ेगा जैसे कि देखो तीन केसेस होंगे ये मेरा जीरो कोऑर्डिनेट है के बलून्स जो तो है वो सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड पे है दूसरा केस क्या हो सकता है ये मेरी एक्सिस है ये जीरो कोऑर्डिनेट है सारे के सारे के बलूनस राइट हैंड साइड पे है ठीक है एंड तीसरा केस क्या हो सकता है कि कुछ बलून्स लेफ्ट हैंड साइड पे है एंड कुछ बलून्स राइट हैंड साइड पे है जैसे कि ये जीरो कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे m बलून जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे है एंड k m बलून्स राइट हैंड साइड पे है तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो क्या हमें करना पड़ेगा हमें यहां से लेके यहां तक मूव करना पड़ेगा ठीक है ओके अगर राइट हैंड साइड पे है तो जीरो से क्योंकि इनिशियली हम जीरो पे हैं तो यहां से लेके यहां तक मूव करना पड़ेगा ठीक है अगर हम के सेट ऑफ को कंसीडर कर रहे हैं जिसमें कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे है और कुछ राइट हैंड साइड पे है तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है या तो हम पहले इतना लेफ्ट में कवर करें फिर हम वापस यहां पे आए और इतना कवर करें दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि पहले हम राइट हैंड साइड वाला कवर करें फिर जीरो पे आए फिर लेफ्ट हैंड साइड वाला कंसिडर करें दोनों केस कंसिडर करने पड़ेंगे क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है जीरो के लेफ्ट हैंड साइड वाला दो बार रिपीट हो रहा है इस केस में क्या हो रहा है कि जीरो के राइट हैंड साइड वाला दो बार रिपीट हो रहा है जो भी हम पहले ट्रावर्स करेंगे वो ज्यादा बार दो बार रिपीट होगा तो इनमें से जो मिनिमम होगा वो कंसिडर करना पड़ेगा तो अब एक बात समझो हमें जो एक्स एरे दिया गया है वो शॉर्टेड है हमें बोला गया है कि लेस देन तो इसको इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं इनिशियली मैं आंसर की वैल्यू टेन की पावर नाइन ले लेता हूं क्योंकि इससे ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि एक्स आई जो है वो टेन की पावर एट मैक्सिमम है ठीक है और मिनिमम माइनस टेन की पावर एट है तो टेन की पावर एट माइनस माइनस टेन की पावर एट इज टू इंटू टेन की पावर एट एक्सट्रीम केस में दोनों के बीच का डिफरेंस टू इंटू टेन की पावर सेपरेट हो सकता है इससे ज्यादा नहीं हो सकता ठीक है नाउ मुझे हर एक के कंटिन्यूस सेट को लेना है सो फॉर आई इक्वल टू जीरो आई प्लस के माइनस वन इज लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस ऐसा क्यों मैंने लिया अगर आई कोऑर्डिनेट मेरा पहला है ऑफ के कंटिन्यूस साइज सेट ठीक है अगर आई कोऑर्डिनेट पहला है तो के कोऑर्डिनेट कौन सा होगा आई प्लस के ठीक है जैसे कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट मेरा फाइव है और के की वैल्यू नाइन है तो आई प्लस के माइनस वन वुड बी हाउ मच फाइव प्लस नाइन माइनस वन दैट इज थर्टीन तो फाइव से लेकर थर्टीन तक मेरे पास टोटल नाइन एलिमेंट्स होंगे सो so, मैं क्या कर रहा हूं कि लास्ट कोऑर्डिनेट जो है वो जब तक लेस देन एन है तब तक स्टार्टिंग पॉइंट को वेरी कराऊंगा दैट इज आई नाउ इफ अब या तो पहला केस होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा सो so, पहला केस कब होगा जब जो लास्ट एलिमेंट है मतलब कि x ऑफ i प्लस के माइनस वन इज लेस देन और इक्वल टू जीरो अगर ये लेस देन इक्वल टू जीरो है तो ये पूरा लेफ्ट में होगा सो so, इफ x ऑफ i प्लस के माइनस वन इज लेस देन और इक्वल टू जीरो देन लेट्स सपोज आई टेक अ वेरिएबल t एस टाइम टाइम रिक्वायर्ड वुड बी यहां से लेके यहां तक ट्रावर्स करना है तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं अगर ये कॉर्डिनेट एक्स आई है तो मैं ये कह सकता हूं xi. अगर ये -20 है, तो जीरो से लेके माइनस ट्वेंटी तक ट्रावर्स करना है तो ट्वेंटी सेकेंड्स लगेंगे एल्स इफ अब ये केस कब होगा जब पहला कोऑर्डिनेट जो है एक्स आई वो जीरो के राइट हैंड साइड होगा मतलब एक्स आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एल्स इफ एक्स आई इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो तक जाना है एक्स आई प्लस वन अगर मान लो इसकी वैल्यू थर्टी है तो जीरो से थर्टी तक जाना है तो टाइम इक्वल टू एक्स ऑफ आई प्लस के माइनस वन ठीक है एल्स तीसरा केस क्या हो सकता है ये वाला आधे लेफ्ट है आधे राइट हैंड साइड पे है. दो केसेस पहले या तो लेफ्ट में जाओ या तो राइट right में जाओ तो पहले अगर लेफ्ट में जाएंगे तो ये कितना है ये कोऑर्डिनेट एक्स आई तो पहले अगर लेफ्ट में जाएंगे तो ये वाला दो बार आएगा मतलब कि राइट हैंड साइड वाला एक बार आएगा राइट हैंड साइड वाला कितना है ये है एक्स आई प्लस के माइनस वन द्लस के माइनस वन दूसरी वैल्यू क्या होगी पहले राइट हैंड साइड पे जाओ मतलब कि टू टाइम्स एक्स ऑफ आई प्लस के माइनस वन प्लस एक बार लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई ठीक है तो इनमें से जो मिनिमम होगा वो और हर एक बार हम क्या करेंगे आंसर इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा टी और इससे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बिग ओ ऑफ एन क्योंकि एक फुल लूप लग रहा है और यह गेमेंट इजिली हो जाएगा आई होप आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है इसका सोल्यूशन कोड मैंने काउंट्स में प्रोवाइड किया है थैंक यू